हेलो गाइस, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और आज हम दोनों तैयार हो गए हैं एक इफ्तारी पार्टी के लिए। साहिल, मुझे और शिल्पा को इनवाइट किया गया है यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, कि इफ्तारी तो नहीं कह सकते, डिनर के लिए, मतलब अभी यहाँ हाँ पर वो वर्ड वो यूज़ करते हैं कि इफ्तारी स्पेशल है, तो आप ज़रूर आना। इंडियन रेस्टोरेंट है और आज हम वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। बाकी क्या था मतलब इसका, बदतमीजी का, और कल मुझे हेयर वॉश करने हैं और हालत में चम्पड़ हो गए। हाँ, शिल्पा ने तो कर लिए, साहिल चले गए नीचे। और आज हमने कुछ, शिल्पा और मैंने पहनी है कुछ ऐसी ड्रेस, मैंने पहनी है फ्रॉक और शिल्पा ने पूरी बोहो ड्रेस। yeah. और हम लग रहे हैं कुछ ऐसे माशा। अभी हमें गर्ल ने भी बोला माशाल्लाह, यू बोथ आर सिस्टर, माय गॉड सो ब्यूटीफुल। छोटी वाली तो बहुत ही सुंदर है, इतना नहीं बोला। गाइस, आज सोलर इक्लिप्स है ना 8 अप्रैल, तो यहाँ पे पूरा दिन से ऐसे ही मौसम है। हमने तो सनलाइट देखी नहीं आज पूरे दिन, ना रात ही रात हो रखी है। इसमें पिक्चर्स इतनी सुंदर थी। हम जैसे ही मरीना तक आए, शिल्पा का टॉयलेट भी आ गया, वो वॉशरूम गई और मैं 10 मिनट से तो बैठी हूँ। उसने एक तो जंप सूट पहना, उसको खोलने में पहने में बहुत दिक्कत है, और हम वेट कर रहे हैं साहिल का भी, वो भी पता नहीं कहाँ गए। बैठी हूँ, क्या करूँ गाइस। ये जो इतना सरफेस है ना पानी के नीचे का, ये वाला, ये सब मैन मेड है। बस इतना ही गहरा पानी है सिर्फ, कि आपके घुटने तक भी नहीं डूबेगा, फिर आगे जा जाके गहरा बनता है शायद ये पानी, है ना शिल्पा? कह रही है। और देखो अंदर कैसे क्लीनिंग हो रही है उस यॉट में ना, बढ़िया वैक्यूम से। आज फिर बिना टिकट के जाऊंगी क्योंकि टू लो वैल्यू हो चुकी है, लेट्स गो। आज फिर विदाउट टिकट हूँ मैं, मेरी वैल्यू टू लो है आज। गाइस, फिर से बिना टैप करे निकल गई हूँ, तो बड़ा अजीब सा डर लगता है, कैसे चोरी कर रही हूँ मैं दुबई में। इधर से जाना ठीक, मैं विदाउट टैप करे फिर से आ गई फटाफट भीड़ में निकल के, और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, और काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस है। मेरा दिल बिल्कुल मुंह में आ जाता है डर के मारे कि पकड़ लिया तो फाइन है, पता नहीं कितना साइड होना चाहिए। JLT जाने, तो हमने पहले ट्रैम ली, उसके बाद सीधा बस में बैठेंगे और फिर JLT पहुँच जाएंगे। सो या लेट्स गो JLT दमास। मुझे लगा बस में बैठना, मैं बस में चढ़ने लगी, बस में नहीं बैठना था गाइस, पैदल ही जाना है हमें। पहुंच गए हैं, अभी नहीं पहुंचे, 6 मिनट है, 6 मिनट वॉक है और उसके बाद पहुंच जाएंगे। वॉक करने में तो मौत आ रही है मेरे ना, सच्ची बात है। बस ये वाली शिल्पा टिंग 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 क्या होता है, तो बहुत चल पा रही है। मैं तो अच्छे से चलती हूँ, अच्छा सबको पता है, मैं तो बहुत वॉक करती हूँ। मैं नहीं कर पा रही वॉक, बस ये वॉक ही गलत है, इधर ई रिक्शा जल्द से जल्द चलवाई जाए। एक सेकेंड, साहिल ने 3 नए दोस्त बनाए, कौन कौन? 2 नाइजीरिया के हैं, नाम बताओ। मतलब नाइजीरियन नहीं है वो, अमेरिकन है। ठीक है, एडम है और उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या नाम है एडम की गर्लफ्रेंड का? नहीं पता, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं पता। झूठे, सबसे पहले उसी का पता था। KFC और कॉफी ऑफर की थी, तो मैंने बोला नहीं, फिर मेरे को पता चल गया ना कि अगर मैंने आज पी ली तो कल मैं पिलानी पड़ जाएगी। और वो तो भाई बहुत भर भर के खाते हैं भाई। और तीसरा, और वैसे ऊपर से वेजिटेरियन या कुछ मिलेगा नहीं, वो तो दो मना नहीं कर पाएगी। 2 और बनाए हैं, एक मेरी जो जिम में जाता हूँ ना मैं, वहाँ पे एक वहाँ पे वो है चाइनीज लड़की, वो मेरी दोस्त बनी है, और एक जो जहाँ मैं स्टारबक्स में कॉफी पीता हूँ वो हमेशा मेरे को डबल शॉट देने लग गई है हमने अभी फ्री में। साहिल ने तो अपना नाम जमा लिया, अब कल से मेरी बारी है कुछ फ्री में। अकेले जाने से ना, अकेले जाने से थोड़ा मजा आता है, फन। हाँ यही तो होता है ना, नए फ्रेंड्स नई चीजें, कल से अकेले निकलने वाले। इतना बोलने के लिए कहा नहीं था। गाइस, ऐसे ही लग रहा है जैसे हम CP आ गए हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, किसी ने देखा जनकपुरी में तो। और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है, हाईवे 311 JLT के अंदर, और लेट्स सी कैसा खाना है इनका। देखो मैसेज कैफे तो काफी सुंदर है वैसे, शिल्पा ना क्यूट सा, शिल्पा जी को ही आया था टेक्स्ट तो ना, कि शिल्पा जी अपने पैर रख के हमारा रेस्टोरेंट धन्य करे। अब हम देखो क्या क्या मंगाते हैं, ये इनका मेन्यू है। चुरोस तो चाहिए ही चाहिए मुझे भी, मुझे कुछ इंडियन भी खाना है चटपटा यार। आई मिस गोलगप्पे, गोलगप्पे टेस्ट है इसका बहुत टेस्टी। 2 दिन में ही गोलगप्पे की मिसिंग्स हो गई हैं। एक तो हो गया मेरा, शिल्पा जी का देखना है मुझे कितना कर पाएंगी। हंसो मत।
गाइस मैंने मंगाया था अपने लिए बर्गर और ये हाफ दिया मैंने साहिल को। साहिल टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। क्या है क्या ये साहिल ने मंगाया? साहिल इसको क्या कहते हैं? बाउल बाउल बुरीतो चाशनी। बर्गर ना बहुत मीठा है, पता नहीं क्यों। बाकी और सारी चीज़ तो बहुत टेस्टी है, बस बर्गर मीठा है थोड़ा। और मेरा पीना कोलाडा और ये न्यू चीज़ थी चीज़ पेस्ट्री करके, ये भी काफ़ी चीज़ी था। ये ग्यू का मॉल है टाकोस के साथ, ये फीकी चटनी शिल्पा पी रही है समर ड्रिंक मैंगो शेक। नहीं हो पा रहा क्या आपसे? यम्मी गाइज। ये पता नहीं शिल्पा ने एक बड़ी अच्छी सी स्वीट डिश मंगाई है, साहिल ने तो बोल दिया कि बहुत स्पेशल उन दो मेरे भाई डिजर्ट है। साहिल ने तो बोल दिया ब्रेड है, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है आप ही टेस्ट करके बताओ। ब्रेड है बताया था, दूध में ब्रेड। अब मेरी बारी है। दूध ब्रेड मावा और रबड़ी और दादू जी अच्छे से बता। मुझे लगा तुम्हें सो गई। पेस्ट्री के साथ ब्रेड और दूध है। हाँ। सो गाइज फाइनली हमने काफ़ी पेट भर के तो डिनर कर लिया। अब रात के 10:30 बज चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो आज तो डिनर बनाने का कोई सीन नहीं। 10:30 तू पता नहीं कौन सी वॉच। ओह शिट मेरी ओ भाई साहब गाइज वो मेरी जो वॉच है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है ना। और मैं पता क्या कर रही थी, नींद आ रही है 10:00 नींद आ रही है। तो अभी बजे हैं 9 और आज डिनर बनाने का कोई सीन ही नहीं है घर पे क्योंकि हमने पेट भर के खा लिया है। और सुबह तो गाइस मेरी हालत बुरी हो गई थी क्योंकि देखो मैं सुबह उठती हूँ ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ अपना लंच खुद बनाती हूँ। तो लंच बनाया सब कुछ स्नैपचैट पे मैं एक्टिव रहती हूँ इन रियल टाइम स्टोरीज पे। तो स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो काजल ज़ीरो हाँ काजल ज़ीरो शिल्पा हीरो काजल डॉट के जे 009900 इज़ माई यूज़र नेम ऑन स्नैपचैट। तो अब हम लोग फिर से ट्रैम से जाएंगे चोरी चुपे मुझे लेकर ये लोग। पता नहीं इसके कार्ड में बैलेंस डलवा रहे हैं अपने आप ही डिडक्ट हो रहा है। हाँ। जान ही रहे मेरे कार्ड का बैलेंस अपने आप ही डिडक्ट हो गया। बड़े बदतमीज यहाँ के लोग हैं। चलो शिल्पा तो नहीं काजल ये बदतमीजी में सहन नहीं करती। सो गाइज हम लोग घर आ गए थे, घर आके दूध पिया ना तब से अजीब सा हो गया तो हम नीचे थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पागल वागल है क्या दिमाग से? तो तू जा ना साहिल तो नीचे ही है, जा सो जा मैं जा रही हूँ अकेले। जा यहाँ से शिल्पा। गाइस रात को 12 बजे भी पूरा दुबई उठा हुआ है, कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हम 12 बजे यहाँ के बैठे हैं। और हर जगह सिक्योरिटी तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, अकेले बैठे रहो मज़े से।